हाय गाइस, वेलकम टू माय चॉकलेट क्लास। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ चॉकलेट्स। इसके बारे में आपको बता देती हूँ। ये मैंने यूज़ की है 2M की वाइट चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट। ये मैंने पहले से बाउल में निकाल के रख दी हैं। और ये है मेरे पास 2M की ही वाइट चॉकलेट। अगर आपको मोर्डे का मिलती है तो आप मोर्डे की ले सकते हैं, और अगर आप प्योर चॉकलेट में बनाना चाहते हैं तो आप प्योर चॉकलेट में भी बना सकते हैं, बट फिर आपको टेम्पर करना होगा चॉकलेट को, प्योर को। ये मैंने वाइट चॉकलेट देखी निकाल ली है बाउल में, और ये मैंने डार्क चॉकलेट ली है, और ये मैंने मिल्क चॉकलेट ली है। और मैं अब इन तीनों को माइक्रोवेव करूँगी 30 सेकेंड के इंटरवल पे। लेकिन मैं वाइट चॉकलेट को 20 सेकेंड के इंटरवल पे निकाल के एक बार चेक करूँगी, क्योंकि वाइट चॉकलेट थोड़ी सी डेलिकेट होती है और इसलिए इसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वाइट चॉकलेट को हम जल्दी जल्दी मेल्ट करेंगे। तो अब हम इसको कर रहे हैं माइक्रोवेव। आप चाहें तो इसको डबल बॉयलर भी कर सकते हैं। डबल बॉयलर मेथड सभी को पता है कैसे करते हैं। एक पैन में आप पानी ले लीजिए और ऊपर एक बाउल रख लीजिए, इसके अंदर आप चॉकलेट डाल लीजिए। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि जो वाटर है वो टच नहीं करना चाहिए चॉकलेट वाले बाउल को। मैंने 30 सेकेंड के लिए लगा दिया है माइक्रोवेव। तो आज हम जो चॉकलेट के अंदर यूज़ करने वाले हैं, ये देखिए, ये मैं यूज़ कर रही हूँ क्रैनबेरी, और जो हम फ्रूट एंड नट की चॉकलेट बनाएंगे, ये मेरे पास है ड्राइड कीवी, और ये मेरे पास है टूटी फ्रूटी। ये कॉस्टली वाली टूटी फ्रूटी होती है, एक सस्ती वाली भी आती है, वो नहीं है जिसके ऊपर शुगर कोटेड होती है, ये वो वाली नहीं है, ये दूसरी बढ़िया वाली है। तो आज हम ये बनाने वाले हैं, और मैं नट्स वाली भी बनाने वाली हूँ। ये मेरे पास हैं पम्पकिन के सीड्स, और ये मेरे पास हैं सनफ्लावर सीड ये, और इसके अंदर हम अलसी भी यूज़ करेंगे। तो ये मेरे पास हैं ड्राइड स्ट्रॉबेरीज़, तो इनको हम थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे, और हमारी हम बार्स बनाएंगे आज। ये देखिए, मैंने 20 सेकेंड के गैप पे वाइट चॉकलेट निकाल लिया और ये मेल्ट हो गई है, क्योंकि अभी समर सीज़न है तो जल्दी से मेल्ट हो जाती है। विंटर में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, विंटर में हमें 20 सेकेंड के गैप पे इंटरवल पे हमें कम से कम 2-2.5 मिनट तक करनी पड़ती है, तब जाके चॉकलेट मेल्ट होती है। तो अभी समर है तो थोड़ी सी जल्दी होगी। अभी मैं इसको 10 सेकेंड के लिए और लगाऊंगी, क्योंकि इसके अंदर देखिए छोटे छोटे जो हैं ये लम्स हैं अभी, और हमें इसको डिसॉल्व करना है। मैं इसको दोबारा रख रही हूँ 10 सेकेंड के लिए, और हमें इसके लिए वुडन के स्पून से यूज़ करने वाले हैं। ये देखिए, हमारी तीनों चॉकलेट्स मेल्ट हो गई हैं, और समर में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता आपको चॉकलेट मेल्ट करने के लिए। बस डबल बॉयलर के टाइम पे आप ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो वाटर है वो चॉकलेट को टच ना करे, क्योंकि वाटर जो है वो चॉकलेट का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो उसकी स्टीम भी अगर आपकी चॉकलेट को लग गई ना तो आपकी चॉकलेट स्पॉइल हो जाएगी सारी, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। और ये हम बोलते हैं इसको, ये मैं कंपाउंड से बना रही हूँ, तो इसको जो मैं इसको फेंट रही हूँ इसको बोलते हैं टेम्परिंग। ये कंपाउंड की टेम्परिंग है, इसको आप लगातार फेंटेंगे तो इसके अंदर एक शाइन भी आ जाएगी। और अगर आप अपनी चॉकलेट को रीयूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर शाइन नहीं आ रही, तो आप उसके अंदर 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून आप उसके अंदर ऑलिव ऑयल या कनोला ऑयल ऐड कर सकते हैं, तो आपकी चॉकलेट के अंदर शाइन आ जाएगी। नहीं तो आप क्या कीजिए, आप कोको बटर को मेल्ट करके वो डाल लीजिए अगर आपके पास है तो। और प्योर चॉकलेट के अंदर आप ऑयल यूज़ नहीं करेंगे, अगर उसके अंदर शाइन लानी है आपको, प्योर चॉकलेट के अंदर कोको बटर ही यूज़ होगा। ये देखिए कितनी स्मूथ और सिल्की हो गई है, और शाइन भी आ गई है चॉकलेट के अंदर, ये देखिए। तो अब हम चेक कर लेते हैं हमारी दूसरी चॉकलेट। ये है हमारी डार्क चॉकलेट। मैंने थोड़ी थोड़ी ही मेल्ट की हैं, क्योंकि मैं आपको सारी 2-2, 3-3 चॉकलेट बना के दिखाऊंगी, बहुत सारी मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अभी मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए बना रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से हम इसको फेंटेंगे तो इसके अंदर शाइन आ जाएगी, और इसको हमें डायरेक्ट ऐसे ही पोर नहीं करना मोल्ड्स के अंदर। जब ये 30 डिग्री के टेम्परेचर पे आ जाएगी तब हम इसको मोल्ड्स में पोर करेंगे। और अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं है चेक करने के लिए,
तो आप कैसे चेक करेंगे कि आपकी चॉकलेट नॉर्मल उस पे टेम्परेचर पे आ गई है? तो आप हल्का सा चॉकलेट लीजिए और अपने जो लोअर लिप है आपका, नीचे वाला लिप, उसके अंदर की तरफ लगाइए। उस पे आपको फील होना चाहिए भाई ये नॉर्मल है, गर्म नहीं है। गर्म नहीं है तो आप मोल्ड में इसको पोर कर सकते हो। ये देखिए, ये अभी हल्की सी मुझे वो लग रही है टाइट, तो मैं इसको 10 सेकंड के लिए और रख रही हूँ मिल्क चॉकलेट को, क्योंकि इसके अंदर जो है कंपाउंड के अंदर मिल्क पाउडर और मिल्क सॉलिड्स होते हैं, डार्क चॉकलेट के अंदर कम होते हैं, इसके अंदर ज़्यादा होते हैं। तो इसको मैं 10 सेकंड के लिए और माइक्रो कर रही हूँ। ये देखिए, अब हमारी चॉकलेट रेडी है। अगर आपको हल्की सी टाइट लगे ना तो आप माइक्रो कर सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए, हमारी जो तीनों चॉकलेट्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे आ गई हैं, और अब हम क्या करेंगे, जो हमारी ये ड्राइड स्ट्रॉबेरीज हैं इनको हम काट लेंगे। इनको हम इस तरह से लंबाई काटेंगे, इस तरह से। आप चाहें तो इनको सन ड्राइड भी कर सकते हैं। अब हम ये देखिए मोल्ड को लेंगे, इसे हमें बार बार धोना नहीं चाहिए, वॉश नहीं करना चाहिए बार बार। इस तरह से हम नैपकिन लेंगे और इसके अंदर अच्छे से इसको क्लीन कर लेंगे। और अगर आपको फिर भी लगता है कि हमारा मोल्ड क्लीन नहीं हो रहा है तो आप इसको 30 सेकंड के लिए माइक्रो कीजिए। मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। जब तक हमारा मोल्ड माइक्रो हो रहा है तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि आप मोल्ड्स को बार बार वॉश नहीं करेंगे, और जब आपको लगे कि आपके मोल्ड से अब चॉकलेट में शाइनिंग नहीं आ रही है तब आप क्या करेंगे, हल्के गर्म पानी में उसको डिप करके निकाल लेंगे। आप कोई भी लिक्विड सोप यूज़ नहीं करेंगे मोल्ड को साफ़ करने के लिए। ये देखिए, मैंने माइक्रो से बाहर निकाल लिया है, तो इसके ऊपर जो हल्का सा कोई भी, जैसे पानी के हमारे निशान पड़ जाते हैं मोल्ड्स के ऊपर, तो वो ऊपर की तरफ उभर जाएंगे। और हम इससे, या आप एक कॉटन ले सकते हैं, उससे भी क्लीन कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से टिश्यू पेपर लीजिए और मोल्ड को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। फिर आपकी, जब आप चॉकलेट को डीमोल्ड करेंगे तो आपकी चॉकलेट के अंदर फुल शाइनिंग आएगी। और अगर आप फिर भी, मतलब आपकी चॉकलेट के अंदर शाइन नहीं आ रही है, तो आप चॉकलेट के अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लीजिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया, तो फिर आपकी चॉकलेट के अंदर फुल शाइनिंग आ जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम बनाएंगे हमारी बार्क। आप चाहें तो एक कलर में बना सकते हैं, आप चाहें तो डबल शेड की बना सकते हैं, मिल्क और वाइट लेकर, मिल्क और डार्क लेकर। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं तीनों थोड़ी थोड़ी यूज़ कर रही हूँ। आप एक चॉकलेट से भी बना सकते हैं पूरी बार। अगर आप गर्म गर्म चॉकलेट मोल्ड में पोर कर देंगे तो भी आपकी चॉकलेट में शाइन नहीं आएगी, क्योंकि जैसे ही आप उसको फ्रिज में रखेंगे तो फिर वो क्या होगा, जो इसके अंदर फैट कंटेंट होता है वो नीचे की तरफ जम जाएगा मोल्ड में। तो जब आप उसको डीमोल्ड करेंगे तो आपकी चॉकलेट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। देखिए, अगर हम सिंगल एक ही चॉकलेट से बनाते हैं तो एक तरह की बार बनेगी। अब मैं आपको इसके अंदर तीनों चॉकलेट यूज़ करके दिखा रही हूँ, तो आप इसको मार्बल इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं इसके अंदर। ये देखिए, अब हम करेंगे इसको टैप, और ये ऐसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। आप क्या करेंगे, ये टूथपिक लेंगे और इसको इस तरह से घुमा देंगे, तो ये हमारा एक तो पैटर्न बन जाएगा बड़ा सुंदर सा, और ये हमारी मार्बल चॉकलेट बन जाएगी। ठीक है, अब हम इसको कर लेंगे टैप। ये देखिए, इस तरह से डिज़ाइनिंग आ गई ना चॉकलेट के अंदर। और अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ये हमारी जो है कीवी वो लगा देंगे, और जो हमने स्ट्रॉबेरीज काट के रखी हैं ड्राइड,
ये लगा देंगे हम। और थोड़ी सी हम इसके ऊपर जो ये हमारी है क्रैनबेरी, इसको लगा देंगे हम। बहुत ही ब्यूटीफुल बार बनेगी हमारी। देखिए ये ड्राइड जो फ्रूट होता है ये महंगा मिलता है, तो आप अगर इसको सेल करना चाहें तो इसकी पैकिंग भी हो जाएगी, इसकी पैकिंग भी हो जाएगी और आप अपना स्टिकर वगैरह भी लगाएंगे अपना जो आपने वेंचर खोल रखा है, तो आप इसको 150 160 की इजीली सेल कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारी बार रेडी है। अब हम इसको रखेंगे फ्रीजर में फॉर 5 मिनट। 5 मिनट के बाद हम इसको नीचे फ्रिज में शिफ्ट कर देंगे और 5 से 10 मिनट हम वहाँ सेट होने के लिए रखेंगे। फिर फ्रिज से निकालने के बाद हम इसको साथ के साथ ही एयर टाइट कंटेनर में इसको रख देंगे। आप चाहें तो इसको साथ साथ रैप भी कर सकते हैं, रैप करके आप फ्रिज में रख दीजिए। रैप करने के बाद आप इसको एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे, फिर आप उसको फ्रिज में रख सकते हैं। आप कोई भी जो आप कंपाउंड लेके आते हैं उसको आप बाहर ही रखिए, फ्रिज में मत रखिए, क्योंकि फ्रिज से निकालने के बाद आप उसको मेल्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर मेल्ट करेंगे तो फिर जब चॉकलेट फ्रिज से आने के बाद मॉइस्चर छोड़ती है तो उस मॉइस्चर की वजह से आपकी सारी चॉकलेट स्पॉइल हो जाएगी।